इसमें लिखेंगे आज का टॉपिक है अपना सेपरेबल एंड एडिटिव, सेपरेबल एंड एडिटिव यूटिलिटी फंक्शन। योज्य एवं पृथक्करण, योज्य एवं पृथक्करण उपयोगिता फलन। सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रॉन्गली सेपरेबल, स्ट्रॉन्गली सेपरेबल स्ट्रॉन्गली को क्या बोलेंगे हिंदी में? स्ट्रॉन्गली सेपरेबल, यूटिलिटी फंक्शन। जटिल, जटिल पृथक्करण उपयोगिता फलन, जटिल पृथक्करण उपयोगिता फलन दुर्लभ सबल। एक मिनट, जटिल की जगह सबल लिख लीजिए, सबल पृथक्करण उपयोगिता फलन लिखेंगे। ए यूटिलिटी फंक्शन इज स्ट्रॉन्गली सेपरेबल, ए यूटिलिटी फंक्शन इज स्ट्रॉन्गली सेपरेबल इन ऑल ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट, इन ऑल ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट इफ इट कैन रिटर्न एज लिखेंगे। एक सबल पृथक्करण उपयोगिता फलन, एक सबल पृथक्करण उपयोगिता फलन इस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा लिखेंगे। यू यहां पर बड़ा फंक्शन एफ है, आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ आई क्यू आई। फॉर एग्जाम्पल यू इज इक्वल टू लॉग क्यू वन रेस टू पावर एल्फा, क्यू टू रेस टू पावर बीटा प्लस क्यू थ्री रेस टू पावर गामा, लॉग क्यू वन रेस टू पावर एल्फा, क्यू टू रेस टू पावर बीटा, क्यू थ्री रेस टू पावर गामा। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, विशेषताएं। फर्स्ट लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स होल यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन लिखेंगे। वस्तु की सीमांत उपयोगिता संपूर्ण उपयोगिता फलन पर निर्भर करती है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता संपूर्ण उपयोगिता फलन पर निर्भर करती है। तो यहां पर MU1 और MU2 जो है
ये आ जाएगी। सेकंड लिखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ टू कमोडिटी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ टू कमोडिटी। प्रतिस्थापन की सीमा दर दो वस्तुओं के अनुपात पर निर्भर करती है। प्रतिस्थापन की सीमा दर दो वस्तुओं के अनुपात पर निर्भर करती है। तो इसके अंदर इसका भाग लगाएंगे, नीचे वाला हिस्सा कट जाएगा, ये आएगा क्या, अल्फा क्यू वन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा क्यू टू बीटा माइनस वन बीटा माइनस वन। फिर लिखेंगे दूसरा स्ट्रॉन्गली सेपरेबल था, अब लिखेंगे क्या, स्ट्रॉन्गली एडिटिव। एडिटिव यूटिलिटी फंक्शन लिखेंगे, सबल योगात्मक उपयोगिता फलन, सबल योगात्मक उपयोगिता फलन लिखेंगे। ए यूटिलिटी फंक्शन इज स्ट्रॉन्गली एडिटिव, इज स्ट्रॉन्गली एडिटिव एडिटिव इफ इट कैन बी रिटन एज, इफ इट कैन बी रिटन एज लिखेंगे। कोई उपयोगिता फलन सबल योगात्मक होगा, सबल योगात्मक होगा यदि वह इस प्रकार लिखा जाए। तो यहां पर क्या आएगा, ये हट जाएगा एफ और ये बन जाएगा यू क्यू आई। फॉर एग्जाम्पल यू इज इक्वल टू क्यू वन रेस्ट टू पावर एल्फा क्यू टू रेस्ट टू पावर बीटा और क्यू थ्री रेस्ट टू पावर गामा। इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स डिपेंड्स इज ओन क्वांटिटी लिखेंगे। किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता स्वयं की मात्रा पर निर्भर करती है, किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता स्वयं की मात्रा पर निर्भर करती है। दूसरा लिखेंगे हाँ जी हाँ स्वयं स्वयं से वे ये वाई जो होता है, ये वाई जो होता है ऐसे इसकी टांग खींच दो यूं, मामा का बड़ा भाई गामा। फिर लिखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स
अपॉन अपॉन बोथ क्वांटिटीज बोथ कमोडिटीज। तो यहां पर इस पे ये वाली प्रॉपर्टी दोनों की सेम ही है, तो यहां पर वो एम यू वन अपॉन एम यू टू, तो ये आएगा अल्फा क्यू वन रेस टू पावर अल्फा माइनस वन, और ये आएगा बीटा क्यू टू बीटा माइनस वन। फिर लिखेंगे इसके अंदर तीसरा, वीकली सेपरेबल, लिखेंगे दुर्बल दुर्बल पृथक्करण, दुर्बल पृथक्करण। लिखेंगे ए यूटिलिटी फंक्शन इज वीकली सेपरेबल, ए यूटिलिटी फंक्शन इज वीकली सेपरेबल, वीकली सेपरेबल इन ऑल ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट, इन ऑल ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट इफ इट कैन रिटर्न एज, इफ इट कैन रिटर्न एज। देखेंगे कोई भी उपयोगिता फलन, कोई भी उपयोगिता फलन दुर्बल पृथक्करण होगा, दुर्बल पृथक्करण होगा यदि वह निम्न प्रकार लिखा जाएगा, यदि वह निम्न प्रकार लिखा जाएगा। क्यू वन कॉमा क्यू टू कॉमा क्यू के प्लस एफ टू क्यू के प्लस वन कॉमा क्यू एन, एक मिनट क्यू एन इसके आगे भी एफ लगेगा। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल यू इज इक्वल टू लॉग Q1 की पावर अल्फा Q2 की पावर बीटा प्लस Q3 की पावर गामा और Q4 की पावर ई। Q4 की पावर ई यानी इसके अंदर ऐसे पेयर से बने हुए होंगे। हाँ जी क्यू के प्लस वन क्यू के प्लस ये क्यू के है, क्यू के है। हाँ जी नहीं नहीं कोई बात, कभी कभी ऐसा भी लिखना चाहिए। ठीक है तो इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन अपॉन ओन ग्रुप
तो यहाँ पे अपने लिखा u विद रेस्पेक्ट टू क्यू वन, सॉरी ओन ग्रुप नहीं, होल यूटिलिटी फंक्शन, सॉरी होल यूटिलिटी फंक्शन, होल यूटिलिटी फंक्शन देखेंगे, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता संपूर्ण समूह पर निर्भर करती है, दूसरी आता है क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन ओन ग्रुप, यहां पर एमआरएस निकालेंगे तो ये आएगा क्या, अल्फा क्यू वन रेस टू पावर अल्फा माइनस वन क्यू टू रेस टू पावर बीटा, और ये आएगा क्या, बीटा क्यू वन रेस टू पावर अल्फा क्यू टू रेस टू पावर बीटा माइनस वन, तो ये आ जाएगा क्या, अल्फा क्यू वन सॉरी अल्फा क्यू टू अपॉन बीटा क्यू वन। फोर्थ सॉरी गलती करते हैं इसको है ना, वीकली की जगह है ना वो कर लेना, क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली एडिटिव, स्ट्रांगली एडिटिव कर लेना, सॉरी स्ट्रांगली सेपरेबल, स्ट्रांगली सेपरेबल इसको लिखेंगे वीकली एडिटिव। शिट मुझसे नहीं काटना नहीं, क्या हो रहा है, वीकली आएगा ये, सॉरी वीकली सेपरेबल और आएगा वीकली एडिटिव। हाँ जी मैडम, हाँ हाँ अरे ये पूरा का पूरा नीचे आएगा मैडम, पूरा का पूरा नीचे आएगा ना, लॉग की फॉर्म में है, इसके अंदर क्या होगा कि इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे, ए यूटिलिटी फंक्शन इज वीकली एडिटिव, वीकली एडिटिव वीकली एडिटिव if it can be written as, if it can be written as,
qk plus f2 qk plus 1 qn. फॉर एग्जाम्पल यदि कोई उपयोगिता फलन दुर्बल योगात्मक है वह निम्न प्रकार लिखा जाएगा. कोई उपयोगिता फलन दुर्बल योगात्मक है तो वह निम्न प्रकार लिखा जाएगा. प्रॉपर्टीज फर्स्ट लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन ओन ग्रुप. तो ये आएगा एम यू वन पार्शियल डिफरेंशिएशन यू विद रेस्पेक्ट टू क्यू वन. यह आएगा अल्फा q1 रेस टू पावर अल्फा माइनस 1 q2 रेस टू पावर बीटा. mu2 पार्शियल डिफरेंशिएशन u विद रेस्पेक्ट टू q2 बीटा q1 रेस टू पावर अल्फा और q2 रेस टू पावर बीटा माइनस 1. दूसरा आता है इसके अंदर क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स अपॉन ओन ग्रुप. तो यहां पर अगर आपने निकाला एम आर एस एम यू वन अपॉन एम यू टू तो यह आएगा एल्फा क्यू वन एल्फा माइनस वन क्यू टू रेस टू पावर बीटा और यह आएगा क्या बीटा क्यू वन रेस टू पावर एल्फा क्यू टू रेस टू पावर बीटा माइनस वन. तो यह आएगा एल्फा Q2 upon beta Q1. तो इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्या बोलते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट के अंदर. इस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर बन के आता है. ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है कोई चीज है. अब इसके अंदर नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है क्या कि मैंने इसमें कल आपको बताया था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पार्ट एक रह गया छोटा सा और फिर रेस्टेशन और डिमांड फंक्शन आ जाएगा, फिर अपना थ्योरी ऑफ फर्म आएगा. ठीक है, तो वो अपन इसके अंदर करेंगे, है ना. तो लिखेंगे इसके अंदर, ये अगर नोट डाउन हो गया तो लीनियर इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, रेखीय वर्धमान रूपांतरण तथा एक दिष्ट वर्धमान रूपांतरण. यानी जैसे कल मैंने बताया था क्लास के अंदर भी कि यदि अपने पास मिट्टी रखी हुई है या अपने पास क्ले वाला जो है वो रखा हुआ है तो उसका अपन ने कोई एक शेप बना दी, उसको फिर डिसमिस किया और फिर दूसरी शेप बना दी, तो इस तरह से उसका क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. लेकिन इसके अंदर कैसे अपन इसको डिस्टिंग्विश करेंगे या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एलआईटी है या एमआईटी है. तो एल आई टी के लिए क्या होता है कि यदि कोई भी यूटिलिटी फंक्शन किसी का भी क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और कांस्टेंट वैल्यू आता है तो वो कहलाता है एल आई टी, और यदि पॉजिटिव और वेरिएबल आता है तो वो कहलाता है एम आई टी. लिखेंगे
a utility function, a utility function is a transformation, is a transformation of other utility function, is a transformation of other utility function. फिर लिखेंगे फर्स्ट, पहला पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू. देन यूटिलिटी फंक्शन इज एल आई टी. सेकेंड लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव एंड वेरिएबल, देन यूटिलिटी फंक्शन इज एम आई टी. लिखेंगे हिंदी के अंदर यदि कोई उपयोगिता फलन किसी अन्य उपयोगिता फलन का रूपांतरण है, यदि कोई उपयोगिता फलन किसी अन्य उपयोगिता फलन का रूपांतरण है तो फिर ऐसे लिखेंगे पहला पॉइंट उसका प्रथम अवकलज धनात्मक और स्थिर राशि है तो वह उपयोगिता फलन, धनात्मक व स्थिर राशि है तो वह उपयोगिता फलन एल आई टी होगा. दूसरा लिखेंगे उसका प्रथम अवकलज धनात्मक और चर राशि है. तो वह उसका एम आई टी होगा. ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए. अब आपको एक चीज और बताएंगे इसके बाद कि जैसे एक मेरे पास ये यूटिलिटी फंक्शन है U=Q1 Q2 है और न्यू यूटिलिटी फंक्शन वो है क्या V=10Q1Q2+5 और दूसरा है V=log Q1+log Q2. क्या लिखा हुआ है कि ए यूटिलिटी फंक्शन U=Q1Q2 एंड न्यू ट्रांसफॉर्म यूटिलिटी फंक्शन इज दिस, फाइंड आउट द LIT एंड MIT. ठीक है, यदि ये उपयोगिता फलन दिया हुआ है तो उसका नया रूपांतरण फलन ये है, तो ज्ञात कीजिए कौन सा LIT है और कौन सा MIT है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे. तो यहां पर अपन ने लिया फर्स्ट, तो यहां पे लिखा है V=10Q1Q2+5. तो यहां पे अपन ने क्या लिखा, 10 की जगह यहां पे लिखा कितना U, पर ये हो गया कितना 5. और इसको अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएट V विद रेस्पेक्ट टू U, डिफरेंशिएट V विद रेस्पेक्ट टू U. तो ये आएगा डिफरेंशिएशन V विद रेस्पेक्ट टू U, तो कितना आएगा 10. तो ये क्या है, पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है क्योंकि नंबर है, तो क्या हो जाएगा,
वी इज ए एल आई टी ऑफ यू, वी इज ए एल आई टी ऑफ यू। सेकेंड को अपन करें तो यहां पे है वी इज इक्वल टू लॉग क्यू वन प्लस लॉग क्यू टू, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं लॉग क्यू वन इंटू क्यू टू, इसको लिख सकते हैं अपन क्या लॉग यू, और इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट वी विद रेस्पेक्ट टू यू, तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन वी विद रेस्पेक्ट टू यू इज इक्वल टू वन अपॉन यू, पॉजिटिव है तो क्या आ रहा है पॉजिटिव, एंड क्या है वेरिएबल, तो कहेंगे वी इज ए एम आई टी ऑफ यू। तो ये कई बार छोटा मोटा पूछ लेते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन कैसे आया है। अब एक चीज आपको क्या बतानी है कि आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के 25 क्वेश्चंस दिए थे, है ना, याद आया है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर Q1 और Q2 की वैल्यू सेम आ रही थी, क्या आ रही थी सेम आ रही थी क्वांटिटी की, तो क्यों आ रही थी, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है ट्रांसफॉर्म है। तो क्या होता है कि जब भी यदि कोई यूटिलिटी फंक्शन किसी अदर यूटिलिटी फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके ऑप्टिमम क्वांटिटी जो है अनुकूलतम मात्राएं जो है वो समान होंगी, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है उपयोगिता का स्तर जो है वो क्या हो जाएगा बदल जाता है। तो लिखेंगे इसके अंदर एक नोट, इफ ए यूटिलिटी फंक्शन इज ए ट्रांसफॉर्म ऑफ अनादर यूटिलिटी फंक्शन, इज ए अनादर यूटिलिटी फंक्शन कॉमा इट्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ कमोडिटी बंडल इज सेम बट इट्स लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज चेंज। लिखेंगे नोट, यदि कोई उपयोगिता फलन किसी अन्य उपयोगिता फलन का रूपांतरण है तो उसके अनुकूलतम वस्तुओं की मात्राएं समान होगी, उसकी अनुकूलतम वस्तुओं की मात्राएं समान होगी, लेकिन उसका उपयोगिता का स्तर बदल जाता है। ठीक है, एक इसके अंदर क्वेश्चन लिखेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है आपके, ये है कहाँ गया, क्वेश्चन है लिखेंगे शो दैट यूटिलिटी फंक्शन यू इज इक्वल टू ए क्यू वन रेस्ट टू पावर अल्फा क्यू टू रेस्ट टू पावर बीटा एंड डब्ल्यू क्यू वन रेस्ट टू पावर अल्फा अपॉन बीटा क्यू टू आर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईच अदर
monotonic increasing transformation of each other, where A alpha and beta are positive. ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का एग्जाम में आपके लास्ट ईयर के पेपर्स में आया हुआ है. क्या कह रहे हैं कि यदि कोई उपयोगिता फलन है और उसका नया उपयोगिता फलन ये है, क्या दोनों एक दूसरे के क्या है एमआईटी हैं, एक दूसरे के एमआईटी हैं, और यहां पर ए अल्फा बीटा क्या है वो पॉजिटिव है, ये एग्जाम में आया है. तो अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है यू इज इक्वल टू ए क्यू वन रेस टू पावर अल्फा क्यू टू रेस टू पावर बीटा. तो इसके अंदर लिखते हैं क्या फेज वन, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं यू अपॉन ए क्यू वन रेस टू पावर अल्फा और क्यू टू रेस टू पावर बीटा. ठीक है, और बोथ साइड अपन ने क्या किया वन अपॉन बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया इसकी पावर को. तो क्या हो गया ये u की पावर वन अपॉन बीटा, और ये हो गया क्या a की पावर वन अपॉन बीटा, और ये क्या हो गया q1 की पावर अल्फा अपॉन बीटा, और यहाँ q2 q2 की पावर बीटा अपॉन बीटा तो वन आ जाएगा, और ये क्या चीज बन गई w, क्या बन गया w. तो यहां पे क्या आ गया w इज इक्वल टू यू रेस टू पावर वन अपॉन बीटा अपॉन ए रेस टू पावर वन अपॉन बीटा. अब इसको अपन ने क्या किया डिफ्रेंशिएट W विद रेस्पेक्ट टू U, तो अपन ने क्या किया W विद रेस्पेक्ट टू A, सॉरी A क्यों U U, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन बीटा U रेस टू पावर वन अपॉन बीटा माइनस वन A रेस टू पावर वन अपॉन बीटा. वो क्या आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव एंड वेरिएबल. तो क्या हो गया W इज ए एम आई टी ऑफ U, W इज ए एम आई टी ऑफ U. अब दूसरा उल्टा चेक करें फेज सेकेंड, कि W हमारे पास ये दिया हुआ है Q1 वन रेस टू पावर अल्फा अपॉन बीटा Q2. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसकी जो पावर है इसको बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, Q1 की पावर अल्फा बीटा Q2 की पावर बीटा. तो ये क्या आ गया W की पावर बीटा, ये हो जाएगा Q1 की पावर अल्फा और Q2 की पावर बीटा. अब क्या जरूरत है अपन को A की, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय A, A तो क्या आ जाएगा A W बीटा A Q1 रेस टू पावर अल्फा Q2 रेस टू पावर बीटा. तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे U A W बीटा. तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट U विद रेस्पेक्ट टू W, तो ये आएगा U विद रेस्पेक्ट टू W, तो ये आएगा बीटा A W रेस टू पावर बीटा माइनस वन, और ये भी क्या है पॉजिटिव एंड वेरिएबल लिखेंगे. सो सो यू इज ए एम आई टी ऑफ डब्ल्यू. तो ये क्या हो जाता है प्रूव हो जाता है, क्या हो जाता है सिद्ध हो जाता है. ठीक है, कोई समस्या कोई मसला, समस्या को मसला भी बोलते हैं, कोई मसला. कश्मीर के लोग जो हैं पाकिस्तानी लोग हैं वो बोलते हैं मसला, कोई मसला तो नहीं है. तो आपका कोई मसला तो नहीं है,
ठीक है। अब आपको लग रहा होगा इसमें तो क्या होमवर्क मिलेगा, तो होमवर्क तो मिलेगा क्योंकि तो होमवर्क करने की आपकी आदत है और मैं उसको छोड़ वाला नहीं चाहता। यहाँ पे है यूटिलिटी फंक्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है यू इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, सेकेंड है वी इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, थर्ड है वी इज इक्वल टू फोर एक्स वन एक्स टू प्लस 17, फोर्थ है वी इज इक्वल टू टू लॉग एक्स वन प्लस टू लॉग एक्स टू, फिर है वी इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर एक्स टू क्यूब। ये कहते हैं फाइंड, क्या करते हैं फाइंड विच फंक्शन आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट, विच फंक्शन आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, इफ यू इज इक्वल टू क्यू वन रेस टू पावर 1.5 क्यू टू एंड ट्रांसफॉर्म यूटिलिटी फंक्शन वी इज इक्वल टू क्यू वन रेस टू पावर 6 क्यू टू रेस टू पावर 4 1.4 लॉग क्यू वन लॉग क्यू टू एंड बजट कंस्टेंट क्यू टू क्यू वन क्यू टू। तो ये कहते हैं फाइंड ऑप्टिमम बंडल ऑफ कमोडिटी, सेकेंड ये कहते हैं, सेकेंड क्या कहते हैं इसके अंदर, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला है ना, ये भी आया हुआ है एग्जाम में। सेकेंड ये बोलते हैं वाई वाई बोथ यूटिलिटी फंक्शन ऑप्टिमम बंडल, ऑप्टिमम बंडल ऑफ कमोडिटी इज सेम, वाई बोथ ऑप्टिमल बंडल ऑफ कमोडिटी इज सेम, तो इसका रीजन आपको देना है ना। और एक क्वेश्चन और है, ये एग्जाम में आया हुआ है ये, लेकिन इनसे हटके है, मतलब इनसे हटके मतलब अपना उसके अंदर है, एग्जाम में आया इसलिए बता रहा हूं। ये कहते हैं वेरीफाई दैट एस वन वन पी वन प्लस एस वन टू पी टू इज इक्वल टू जीरो फॉर द यूटिलिटी फंक्शन, फॉर द यूटिलिटी फंक्शन यू इज इक्वल टू क्यू वन रेस टू पावर आर क्यू टू। ये आपको करना है, ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर एक छोटा सा पार्ट बच गया, छोटा सा पार्ट क्या मतलब कल की क्लास के लिए बच गया है, वो है क्या,
जर्नल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ डिमांड फंक्शन, जर्नल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ डिमांड फंक्शन वो अपन कल करेंगे, है ना। और फिर हमारा ये कंज्यूमर बिहेवियर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक चालू होगा थ्योरी ऑफ फर्म, ठीक है।